गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे इलेक्ट्रिक डिप्लोमा का जो है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल है उसका अभी हम 3 नंबर एक्सपेरिमेंट करेंगे जो है कनेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हाई प्रेशर एमवी लैंप सोडियम वेपर लैंप एमएच लैंप सीएफएल लैंप और लेटेस्ट मॉडल लैंप मेजर इंडक्टेंस और लॉक्स पर ल्यूमेन मतलब इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ ईच केस एंड प्रिपेयर लॉक्स टेबल। तो लॉक्स टेबल करेंगे और इसका जो इंडक्टेंस है वो भी हम आपके देखेंगे ये सभी लैंप का। तो पहले हम जान जाते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो जिसका जो सर्किट डायग्राम है ऐसा है, ऐसा रहता है। इसमें एक चौक रहता है, एक फिलामेंट इसके अंदर रहता है, एक स्टार्टर रहता है। ये इलेक्ट्रिकल चौक के बारे में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स चौक अलग रहता है थोड़ा। तो ये इसमें हम सप्लाई देते हैं तो बलास्ट को जाता है और ये बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट करके इसको स्टार्ट करता है और उसके बाद ये जलने के बाद ये बलास्ट जब चालू रहता है ये स्टार्टर बहुत ही हाई वोल्टेज में ये दोनों स्पार्क करता है और दो स्पार्क होने के बाद ये दोनों इग्नाइट होता है और इसके बाद स्टार्टर कूल हो जाता है और ये बलास्ट के हिसाब से इधर से करंट इधर तक जाता रहता है। इसी प्रकार से ये काम करता है। उसके बाद देखेंगे हाई प्रेशर सोडियम वेपर के लैंप में कैसा रहता है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में इसका सर्किट डायग्राम ऐसा रहता है। ये लैंप के साथ एक इग्नाइटर रहता है और एक हमारा बलास्ट रहता है जो कि चौक भी हम बोल सकते हैं। और इसका जो अंदर का डायग्राम ऐसा रहता है, इसमें क्या थीन वायर सपोर्ट रहता है, प्रोटेक्टिव सर्किट को डिस्चार्ज ट्यूब रहता है, वैक्यूम रिंग रहता है, ऐसे रहता है और इसके अंदर सोडियम का गैस रहता है और बहुत ही धीरे धीरे जलता है और इसका जो कलर रहता है ये सनलाइट जैसा कलर देता है। उसके बाद हम देखेंगे ये रहता है ऐसा इग्नाइटर रहता है और ये बालास्ट रहता है और इसका जो बल्ब है ये ऐसा बल्ब रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे एमएच लैंप। एमएच का फुल फॉर्म मेटल हैलाइड है। इसका जो मेटल है इसका जो फिलामेंट है वो मेटल हैलाइड एक मटेरियल से बनाया गया है। तो इसका सेम डायग्राम है एक और इसमें भी एक बालास्ट रहता है और एक इग्नाइटर रहता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये ऐसा रहता है, बाईमेटल स्विच रहता है, इसके अंदर आर्क ट्यूब रहता है, मेन इलेक्ट्रोड रहता है और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड रहता है, रेजिस्टर रहता है, ऐसे बहुत सारा चीज़ें रहता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे दिखता है। ये भी हम अभी जला के देखते हैं और ये व्हाइट लाइट देता है LED की तरह। और इसके बाद हम CFL के बारे में जाते हैं। CFL जो जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, मतलब ये फ्लोरोसेंट लैंप का छोटा वर्जन है या छोटा भाई भी हम कह सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट लैंप में ऐसा रहता है, इसका पार्ट्स रहता है, बेस रहता है, इसका एक सर्किट रहता है और इसके जो ट्यूब के अंदर आर्गन और मर्क्यूरी वेपर रहता है, फॉस्फोरस कोटिंग दिया जाता है जो कि जिसकी वजह से ये व्हाइट लाइट हमें देता है। और आपको पता होगा, आपने सभी ने देखा होगा ये CFL बल्ब है, इसके सामने यूज किया होगा। और उसके बाद एक नियॉन साइन लैंप है, एक नियॉन लैंप रहता है जिसके अंदर नियॉन गैस रहता है और ये बहुत ही छोटा रहता है और छोटे छोटे हमारा जो साइन बोर्ड रहता है जिसमें लिखा रहता है, मतलब कोई भी कॉलेज का नेम या फिर किसी दुकान का नेम बड़ा बड़ा आप देखे होंगे तो वो सब नियॉन ट्यूब में ही लिखा होता है। और नियॉन ट्यूब का सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जांपल आपके घर में है, आपके घर में देखे होंगे, आप एक इंडिकेटर लगाए होंगे स्विच बोर्ड में या फिर आपके घर के कोई भी स्विच बोर्ड में, वो इंडिकेटर वही नियॉन साइन नियॉन लैंप ही है और वो नियॉन से ही बनता है और इसीलिए ये बहुत धीरे धीरे जलता है। इसीलिए हम घर में यूज करते हैं। तो चलिए अभी हम सभी लाइट का
हम अभी इंडक्टेंस माप के देखते हैं कितना कितना होता है। तो इंडक्टेंस मापने के लिए हमने लिया है एक एलसीआर मीटर, जिसमें हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों ही माप सकते हैं। तो पहले हम ट्यूबलाइट का इंडक्टेंस माप के देखेंगे कितना होता है। अभी हमने कनेक्शन कर दिया है, हमारा जो ट्यूबलाइट है आप देख सकते हैं, ट्यूबलाइट को हमने कनेक्ट कर दिया है, उसका जो मेन लीड है वो एलसीआर मीटर से कनेक्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब 4.8, 4.7, 4.5 ये ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक मिनिमम पकड़ेंगे 5.0 ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि 5 के ऊपर भी ये जा रहा है, 5.4 ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि 5.4 भी दिखा रहा है, तो मैक्सिमम हम 5.4। और ये आप देख सकते हैं हेनरी पे है, ये जो ऑटोमेटिक डिजिटल है ये हेनरी पे है अभी। तो इसका जो है हम 5.5 हेनरी पकड़ेंगे ट्यूबलाइट का। अभी ट्यूबलाइट के बाद अभी हम देखेंगे सोडियम वेपर लैम्प में, जो ये है इसका कनेक्शन किया गया है एलसीआर मीटर में, और इसका जो इंडक्टेंस आ रहा है 22.7 माइक्रो हेनरी, ऐसे 22.7 और 6, 22.7 ही पकड़ेंगे हम, 22.7 माइक्रो हेनरी आ रहा है। और इसके बाद हम एमएच लैंप पे के देखेंगे कितना हेनरी आ रहा है। अभी एमएचएम हमने लगाया है और इसके 4.43 माइक्रो हेनरी आ रहा है इसका रीडिंग। और ये जो एमएच लैंप है ये है जो कि है मेटल हैलाइड लैंप, अभी आ रहा है। अभी सब लाइट को ऑन करके उसको ब्राइट जला के उसका लुमेन लॉक्स पर लुमेन माप के देखेंगे कितना होता है। अभी हम ट्यूबलाइट जला के उसको उसका हमारा जो लुमिनियस है वो हम देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट जल रहा है, और ये हमारा लक्स मीटर है, और इसमें और इसका जो सेंसर है ये वाला, तो ये हम अभी इस पे लगाएंगे ये घर, और इसको हम ऑन करेंगे। और इसको हम देखेंगे कितने आ रहा है। 180, अभी आप देख सकते हैं 185 ऐसे आ रहा है इसका, इंटू 100 लक्स 90। अभी ये थोड़ा मतलब 202 तक आ गया है, पहले इनिशियल नहीं जानते, 195 नहीं जानते, 195 हम पकड़ लेते हैं। और इसके बाद अभी हम सोडियम वेपर लैंप ऑन करके देखेंगे उसका कितना दिखा रहा है लुमेन। अभी आप देख सकते हैं ये सोडियम वेपर लैंप ये ऑन हो गया है अभी, लेकिन इसको तो पूरा ऑन होने में टाइम लगता है, 4-5 मिनट ऐसे लगता है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा जल गया है एकदम, 5 मिनट में लगता है पूरा जलने के लिए। अभी हम इसको हमारा जो लुमेन लॉक्स मीटर है उसको माप के देखेंगे कितना लॉक्स आ रहा है। आप देख सकते हैं बॉडी जो है 280 हो, देख सकते हैं ये स्टॉप हो गया है अभी, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, 970 तक आ गया है ये, तो ये इसका फाइनल रीडिंग है। हम फाइनल रीडिंग इसका 900 लिखेंगे। अभी हम जो मेटल हैलाइड एमएच लैंप है उसका अभी माप के देखेंगे लक्स मीटर में, ऑन कीजिए, ये भी थोड़ा धीरे धीरे ऑन होता है आप देख सकते हैं, और इसका जो कलर रहता है वो वाइट रहता है, वाइट तो नहीं ठीक बोल सकते हैं, ब्लूइश वाइट ऐसे रहता है, पूरा वाइट नहीं रहता है। अभी हम देखेंगे कि अभी वो जो एमएस लैंप है बहुत ही ज़्यादा ही ब्राइट हो गया है, अभी इसको हम लुमेन लॉक्स अभी हम उसको माप के देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका ब्राइटनेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है।
अभी हम देख सकते हैं ये कांस्टेंट हो गया है, ये 536 या 37 तक ऐसे जा रहा है, अभी ये इतना ही ब्राइटनेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 540 हो गया, तो इसका जो ल्यूमेन है अभी हमने 550 भी पकड़ी है, इतना ही जाएगा। तो उसके बाद हम अभी हम CFL का करके देखेंगे, CFL का अभी करके हम देखेंगे कितना आता है इसका। अभी ये CFL जल गया है, अभी इसका हमने लगाया है, तेरे बढ़ रहा है नियन लैंप एटर है। अभी हम जो नियन लैंप है उसको अब हम देखेंगे, ये नियन लैंप बहुत छोटा सा है तो इसको पता करना थोड़ा मुश्किल है। अभी इसको कुछ अभी इसका आप देख सकते हैं 22:1 मतलब 22 तक आ गया है इसका लुमेन, इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया और सब प्रैक्टिकल जो भी है आप देखें और समझ में आ चुका है। थैंक यू।